टूर के बच्चों, आप लोगों ने सेकंड पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास में सलाम नामक पोयम के हिंदी समरी सुन लिए होंगे, वीडियो देख लिए होंगे। और वो जो वीडियो आप देखे हैं इस समरी का, उसके डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन से आप लोग उतार लिए होंगे नोटबुक में, हम समझते हैं। तो अभी मैं आपका ये जो पोयम है उसको इंग्लिश लाइन बाय लाइन हिंदी पढ़ के मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर को भी मैं समझा दूंगा, उसके बाद ये पोयम समाप्त हो जाएगा। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन आंसर छाटने में दिक्कत होता है, निकालने में, डिस्क्रिप्शन से बहुत बच्चों बोलते हैं कि सर डिस्क्रिप्शन से निकालने में दिक्कत होता है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरा जो लिंक है आपके पास यूनिवर्सल इंग्लिश स्पोकन सेंटर, उस लिंक के में जो है कि बहुत सारे वीडियो दिया हुआ है। उस वीडियो में एक वीडियो का नाम है क्वेश्चन कैसे प्राप्त करें, उससे आप डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। इसके बावजूद अगर दिक्कत होता है तो कॉल कीजिएगा, नंबर तो सभी बच्चे जानते ही हैं, और नहीं जानते तो लिख लीजिए 9931 4695 1। तो अभी देखिए इसका मैं पोयम का हिंदी में करके बताता हूँ। फार फार फ्रॉम डस्टी वेयर द चिल्ड्रन फेसेस, दूर दूर तक इन बच्चों के चेहरों पर रौनक नहीं है। डस्टी वेयर मतलब रौनक। लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे जड़ विहीन खरपतवार हो। रूटलेस मतलब जड़ विहीन, वीड्स मतलब खरपतवार। द हेयर टर्न राउंड द पैलर, उनके बाल मोड़े से हैं। टर्न मतलब मोड़ा चुड़ा, पैलर मतलब पीला, यानी कि उनके पीले चेहरे पर बाल मोड़े चुड़े से हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, लंबी सी लड़की अपना माथा झुकाए हुई है क्योंकि उनका माथा गंदा है। द पेपर सीमिंग बॉय, बच्चे कागज के पन्ने की तरह दिख रहे हैं, इतने दुबले पतले और कमजोर हैं कि कागज के पन्ने की तरह दिखते हैं। विथ रेड आई, उनकी आंखें ऐसे धसी हैं जैसे कि मानो चूहे की आंखें हों। द स्टंट, वे लोग बहुत ही मुड़े चुड़े से हैं। स्टंट मतलब मुड़ा चुड़ा होना। अनलकी हेयर, अपने दुर्भाग्यशील पूर्वज, हेयर मतलब पूर्वज माता पिता, अपने दुर्भाग्यशील माता पिता के और ट्विस्टेड बोन्स, एकदम इन लोग की हड्डियां भी मुड़ी चुड़ी सी हैं। रिसाइटिंग फादर्स नॉट डिजीज, और रिसाइटिंग मतलब दोहराना, नार मतलब खतरनाक, डिजीज मतलब बीमारी, और ये अपने माता पिता के खतरनाक बीमारियों को दोहरा रहे हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, उसके डेस्क पर, उन लोगों के डेस्क पर पाठ रखा हुआ है, किताब रखा हुआ है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और धुंधले क्लास के पीछे, क्लास में लाइट नहीं है, धुंधला सा क्लास है, उसके पीछे वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक बच्चा बहुत ही प्यारा सा बैठा हुआ है। हिज आई इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में सपने पल रहे हैं। ऑफ स्क्वायर गेम, गिलहरी के साथ खेल खेलने के लिए, स्क्वायर मतलब गिलहरी। इन ट्री रूम, पेड़ के पोर्टल में, अदर देन दिस साइड, जो कि जहां बैठा उसके बगल में वह पेड़ है जहां वह गिलहरी के साथ खेलना चाहता है। तो बच्चों ये था पहला संज्ञा। दूसरा संज्ञा देखिए, ऑन सोर क्रीम वॉल्स, दीवार का रंग सोर क्रीम है। सोर मतलब खट्टा, क्रीम मतलब मक्खन, मक्खन जब खट्टा हो जाता है तो पीला हो जाता है। दीवार का रंग सोर क्रीम है, पीला है। डोनेशन, डोनेशन यानी कि दान देने वालों का एक तरफ नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग दान दिए इस स्कूल को बनाने में, बिल्डिंग को तैयार करने में। शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर जो लेखक साहब हैं, जो
अंग्रेजी के पिता कहे जाते हैं, उनका मास्टर का फोटो दूसरी तरफ टंगा हुआ है। क्लाउडलेस डॉन, क्लाउडलेस का मतलब साफ आसमान जिसमें कोई बादल ना हो, और डॉन मतलब सुबह, यानी कि साफ स्वच्छ आसमान का सुबह का चित्र का फोटो बगल में टंगा हुआ है। सिविलाइज्ड डॉन राइडिंग ऑल सिटीज, और सभ्य समाज का बड़े बड़े गुंबद, मतलब गुंबद, बड़े बड़े गुंबदों वाला बड़ा बड़ा बिल्डिंग का शहर का फोटो टंगा हुआ है। बैले फ्लावरी ट्रॉजरी वैली, बैले मतलब सुंदर, फ्लावरी मतलब फूलों से भरा हुआ, ट्रॉजरी नाम है घाटी का, उस घाटी फूलों की घाटी का चित्र का फोटो जो है कि टंगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप, उसके बगल में एक मैप भी टंगा हुआ है, खुले मैप, ओपन हैंडेड मतलब खुला मैप टंगा हुआ है। अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इस मैप में सारी दुनिया अपने आप में दुनिया दिख रही है। एंड येट फॉर दो चिल्ड्रेन देयर विंडोज, लेकिन इन बच्चों के खिड़कियों से जैसे कि मानो यह मैप दिखता ही नहीं है। नॉट दिस मैप वर्ल्ड बीइंग, ये बच्चों के जो है बच्चों की खिड़कियों का मैप नहीं दिखता, मतलब इस मैप में बच्चों की झोपड़पट्टी नहीं दिखाई देती है, दुनिया दिख रही है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, जहां पर इन बच्चों का जो है भविष्य कोहरे से ढका हुआ है। फॉग मतलब कोहरा, पेंटेड और ढका होना, इन बच्चों का भविष्य कोहरे से ढका हुआ है। आपको बताया थे बच्चे कि ये ठंड प्रदेश के झोपड़पट्टी इलाके हैं, और ठंड प्रदेश के झोपड़पट्टी इलाके में क्या होता है कि वहाँ रात तो अंधेरा में है ही, दिन भी अंधेरा में होता है कुहासे की वजह से। ए नैरो स्ट्रीट इज सील्ड इन विथ ए लिटिल स्काई, एक तंग गली है जहां पर आसमान ढका हुआ है। तो सब बच्चे समझ गए कि आसमान किस से ढका हुआ है, तो फॉग से। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स, इन बच्चों के जीवन से प्राकृतिक दृश्य बहुत दूर है। नदियां क्या मतलब प्राकृतिक नजारे, स्टार ऑफ वर्ल्ड्स मतलब कि तारे, आसमान के तारे भी नहीं दिखते हैं क्योंकि रात और दिन कुहासा ढका रहता है, तो तारे दिखेंगे कैसे, है ना। तो ये बच्चे इस प्रकार से सेकंड संध्या तक जीवन गुजार रहे हैं। अब थर्ड संध्या में ये बच्चों श्योरली शेक्सपियर इज विक्टर। सेकंड संध्या में आपने देखा कि क्लास के दीवार पर क्या क्या टंगा हुआ है, अब थर्ड संध्या में देखिए कि वो जो कुछ भी दीवार पर उसका कैसे बच्चों के जीवन से विरोधात्मक यानी कि उल्टा तुलना की गई है। शेक्सपियर इज विक्टर, शेक्सपियर एक बदमाश आदमी है बच्चों के नजरों में। द मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, और मैप जो है बुरा उदाहरण है इन बच्चों के लिए। वी सी पेंशन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और प्राकृतिक दृश्य जिसमें कि पानी जहाज है, सूरज है, लेकिन जैसे मानो वह प्राकृतिक दृश्य अपनी सुंदरता इन बच्चों के जीवन से चुराया हो, स्टील मतलब चोरी करना। For lives that slowly turn into terms hole, बच्चे रहते कहाँ हैं, तो जमीन के नीचे होल काट के रहते हैं, लेकिन बिल्डिंग ऊंची ऊंची दिखाई दे रही है फोटो में। From fog to endless night, इन लोगों का रात जो है कि अंधेरा है, दिन भी कुहासे से ढका हुआ है, मतलब endless night है। इन लोगों का रात कैसा है, endless मतलब कभी समाप्त होने वाला रात है ये नहीं है। On their slag heaps, कूड़े के ढेर पर ये बच्चे जन्म लेते हैं। The children wears skin peek through the bones, ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो ये बच्चे जो है हड्डियों पर चमड़े को ढक लिए हैं, मतलब कि ये शरीर से अंदर से हड्डी जो है एकदम बहुत दिखाई देता है, तो सब हड्डी दिख जाता है। तो पीप मतलब होता है झांकना, मतलब कि इन बच्चों से बच्चों के शरीर से हड्डियाँ जो हैं वो झांकती हैं। एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक ए बॉटल बिट्स एंड स्टोन्स, और स्पेक्टिकल मस्त दिख जाना,
और जैसे कि मानो ग्लास, जो शीशे का ग्लास है उसमें अगर पत्थर रख दिया जाए तो सारे पत्थर दिख जाते हैं, शीशे के ग्लास में कंकड़ पत्थर रख दिया दूर से सब दिख जाते हैं, वैसे बच्चों के शरीर से हड्डियां सब दिख जाती हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, इन लोगों का समय और स्थान पूरा एकदम धुंधला झोपड़पट्टी गंदी बस्ती से ढका हुआ है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विच अ स्लम एंड बिग अ ज़ोन, तो इसलिए मैप में जितना अगर बिंदु से भी नहीं दर्शाया गया है इन लोगों का झोपड़पट्टी इलाका, उससे कहीं अधिक इन लोगों का दुर्भाग्य है, डूब मतलब दुर्भाग्य। तो ये था बच्चों थर्ड स्टेंजा। अब चौथा स्टेंजा आपको बताया थे कि पढ़ स्टेंजा है और जिसके वजह से ये चार लाइन का जो क्वेश्चन पूछता, चार लाइन देकर के जो क्वेश्चन पूछता है चार क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान गौर कीजिएगा कि इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा चौथा स्टेंजा में क्या बोलते हैं, कभी गौर कीजिए। चौथा स्टेंजा उनका जो साम्यवादी विचारधारा है कवि का, वो उसमें आ गया झलक करके। क्या बोलते हैं, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, यदि गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर जो है, दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड द विंडो दैट शट ऑफ देयर लाइक कैटाकॉम्ब, कि इस मैप में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं छोड़े हैं, ये लोग अपने घरों की खिड़कियां ऐसे बंद कर देते हैं आप लोगों के देखते, जैसे कि मानो कब्र की तरफ खिड़कियां खुल गई हो, यानी आप लोग पर ध्यान नहीं देते हो, आप लोग का अधिकार मार के बैठे हो। यहाँ के गार्जियन लोगों से कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ब्रेक ब्रेक अप एंड टिल दे ब्रेक द टाउन, कि तोड़ो तोड़ो शहरों को, मालों को जिसको आप लोगों ने बनाया है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक योर वर्ल्ड रेड एंड यू द गोल्ड सैंड्स, और बच्चों को जो है कि हरे भरे खेत दिखाइए, हटाइए किताब उताब कॉपी किताब इन लोगों के नजरों के सामने से, और इन लोगों को ले जाइए प्राकृतिक दृश्य की ओर, प्राकृतिक नज़ारे की ओर। जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने बच्चे के शिक्षक को एक बार पत्र लिखे थे, उसमें लिखे थे कि शिक्षक महोदय आप मेरे बच्चे को खूब पढ़ाइएगा, लेकिन इतना नहीं पढ़ाइएगा कि वह जो है प्राकृतिक नज़ारों को देखना भूल जाए, चिड़ियों के चहचहाट, झरनों के झरझरने के आवाज़ को वह जो है देखने का उसको मौका ही नहीं मिले, इतना नहीं पढ़ाइएगा। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उसकी ओर जाने से हमारा जो, जैसे आप लोग सुनते हो कि या बहुत डिप्रेशन में आ गया, चाहे डिप्रेशन में आत्महत्या कर लिया, तो जो व्यक्ति प्राकृतिक नज़ारों को देखता है, प्राकृतिक के बीच रहता है, उसको कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता है। तो कवि जो है यहाँ पर बच्चों को प्राकृतिक ज्ञान देने की बात करते हैं किताबी ज्ञान के बजाय। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज द गोल्ड सैंड, और उन लोगों की दुनिया को एकदम सुनहरे बालू जैसा लाना चाहते हैं, यानी बालू मतलब महीन और गोल्ड मतलब सुनहरा, सुनहरा बालू जैसा लाना चाहते हैं। और आगे क्या करते हैं, एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स एंड व्हाइट ग्रीन लीव्स ऑफ मैन, और बोलते हैं कि हटाइए इन लोगों के जिह्वा को जो किताबों पर सफ़ेद हरे पन्ने पर जो है कि रट रहे हैं शब्द को, जो शब्द को लोग मतलब नहीं समझते वो रट दे रहे हैं, और बच्चों को सबसे हटाइए, दूर कीजिए, भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, प्राकृतिक ज्ञान दीजिए, और बच्चों को मजबूत बनाइए। क्यों, क्योंकि हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज सन, इतिहास उसी का है जिसका भाषा सूरज है। तो यानी कई जो है हम तक कहते हैं कि हमें मजबूत बनना चाहिए बच्चों से, यहाँ के गार्जियन लोग चाहते हैं कि बच्चों को मजबूत बनाइए, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों का होता है जिसका भाषा सूरज होता है। तो ये था बच्चों कहानी कविता, कविता का हिंदी आप सब बच्चे समझ गए होंगे। अब मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर का हिंदी भी आप लोग देख लीजिए।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, कवि गंदी बस्ती के बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, एंड हाउ कैन देयर लाइफ बी मेड टू चेंज, और उनका जीवन कैसे बदला जा सकता है। आंसर है बच्चों, द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ स्लम, कवि स्लम के लिए बच्चों के लिए चाहते हैं फूड फॉर द एम्प्टी बेली, उनों के खाली पेट में भोजन, एम्प्टी मतलब खाली और बेली मतलब भोजन पेट, बेली मतलब क्या था बच्चों पेट और एम्प्टी मतलब खाली, क्लॉथ फॉर देयर नेकेड बॉडी, उनों के नंगे बदन में वस्त्र, नेकेड मतलब नंगा, एंड नॉलेज ऑफ नेचर और प्रकृति का ज्ञान, ये सब चाहते हैं बच्चों के लिए कवि। द पॉइंट आई नॉट वॉन्ट स्कूल बिल्डिंग बुक्स एंड पोस्टर ऑन द वॉल फॉर द चिल्ड्रेन, कवि बच्चों के लिए स्कूल की इमारत, किताबें, दीवार पर पोस्टर इत्यादि नहीं चाहते हैं। उनके अनुसार देयर लाइफ कैन बी मेड टू चेंज, उन लोगों के जीवन बदला जा सकता है बाय द चेंजिंग ऑफ देयर सराउंडिंग्स, उन लोगों के माहौल को बदल करके, एंड गिविंग देयर पावर ऑफ इक्वालिटी, और समानता का अधिकार दे करके। अगला सवाल बच्चों, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम, सोर क्रीम नाम का जो कलर है वो क्या, आप क्या सोचते हैं कैसा रंग का है वो? तो सोर क्रीम बच्चों कविता में भी पढ़ाया है, उसमें आया हुआ है, व्हाई हैज अ पोएट यूज्ड दिस कलर फॉर द क्लासरूम वॉल, कवि जो है वह क्लासरूम दीवार के लिए इस रंग का प्रयोग क्यों किए हैं? द कलर ऑफ सोर क्रीम इज येलो, आंसर है बच्चों कि सोर क्रीम पीला रंग का रंग है। द पोएट यूज दिस कलर, कवि जो है वह इस रंग का प्रयोग किए हैं फॉर क्लासरूम वॉल, क्लासरूम के दीवार के लिए, बिकॉज क्योंकि येलो इज अ सिंबल ऑफ सोरो, पीला जो होता है वह दुख का प्रतीक होता है, एंड द सोरो ऑफ चिल्ड्रंस हार्ट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द क्लासरूम वॉल, और पीला रंग जो है यानी कि जो बच्चों का दुख है वो क्लासरूम के दीवार पर प्रतिबिंबित हो रहा है एज अ कलर ऑफ येलो, पीले कलर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट से, कवि क्यों कहते हैं हिस्ट्री देयर हु इज अंडर द सन, इतिहास उसी का है जिसका भाषा सूरज है। द पोएट से कवि कहते हैं हिस्ट्री देयर हु इज अंडर द सन बिकॉज, कवि कहते हैं कि इतिहास उसी का जिसका भाषा सूरज है क्योंकि दिस वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड बाय डंप एंड वीक पीपुल, यह दुनिया जो है वह कमजोर और गूंगे लोगों के द्वारा शासन नहीं किया जाता है। दो जो स्पीक विद कॉन्फिडेंस, जो लोग आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, आर हियर बाय ऑल, वो सभी के द्वारा उसका सुना जाता है। सो द पोएट वॉन्ट्स टू मेक द चिल्ड्रेन ऑफ सलम, इसलिए कवि जो है सलम के बच्चों के लिए चाहते हैं एज एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग एज द सन, उतना ऊर्जावान और उतना मजबूत जितना कि सूरज, ऐसा बना देना वो चाहते हैं। व्हाट डज द पोएट से टू द गवर्नर इंस्पेक्टर एंड विजिटर, कवि जो है वो यहाँ के गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर से क्या कहते हैं? द पोएट सजेस्ट टू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, आंसर है कि कवि जो है वह यहाँ के गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर को सलाह देते हैं कि The children of slum need not in this time school building, teacher and books, कि slum के बच्चों को के लिए अभी इस समय स्कूल की इमारतें, टीचर और किताबों की आवश्यकता नहीं है। They need necessary foodings, clothing and knowledge of nature, उन लोगों को इस समय चाहिए भोजन, वस्त्र और प्रकृति का ज्ञान। They also need changing of surroundings, उन लोगों को सराउंडिंग्स यानी कि माहौल बदलने की आवश्यकता है, एंड द राइट ऑफ इक्वलिटी और समानता का अधिकार देने की आवश्यकता है। इन दिस वे इस प्रकार से द चिल्ड्रन कैन बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज अ सन, इन बच्चों को उतना मजबूत बनाया जा सकता है जितना कि सूरज।
इसका जो सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम, ये जो पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम स्लम, इसका जो है सेंट्रल आइडिया वर्ण करने को कहते हैं। तो आंसर देखिए बच्चों, द पोयम स्टीफन स्पेंडर वांट्स टू टेल अबाउट द माइजरेबल कंडीशन ऑफ दो चिल्ड्रेन हु आर पासिंग देयर लाइफ इन स्लम एरिया। कवि स्टीफन स्पेंडर जो हैं वह कहना चाहते हैं झोपड़पट्टी इलाके में जो बच्चे जीवन गुजार रहे हैं उसके दयनीय हालात के बारे में बताना चाहते हैं। माइजरेबल मतलब दयनीय। दे आर लुकिंग लाइक रूटलेस वीड्स, ये बच्चे जड़ विहीन खरपतवार की तरह दिख रहे हैं। एंड दे आर रिपीटिंग देयर फादर्स डेंजरस डिजीज, और ये लोग अपने माता पिता के खतरनाक बीमारियों को दोहरा रहे हैं। देयर बुक्स आर ऑन द डेस्क, उन लोगों की किताबें डेस्क पर है, बट देयर कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट ऑन द बुक, लेकिन उन लोगों का ध्यान किताब पर नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब ध्यान। ऑन द क्लासरूम वॉल, क्लासरूम वॉल पर देयर आर मैनी अट्रैक्टिव पोस्टर्स, बहुत से आकर्षक पोस्टर्स हैं। विच इज क्रिएटिंग कंट्रास्ट विद द लाइफ ऑफ चिल्ड्रेन, जो कि बच्चों के जीवन से विरोधाभास, कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास को व्यक्त करते हैं। सो एट लास्ट द पोएट वांट्स टू स्नैच द राइट ऑफ पुअर्स फ्रॉम द रिच, इसलिए अंत में कवि जो हैं गरीबों के लिए अमीरों से अधिकार छीनना चाहते हैं। एंड ऑल्सो पोएट्स वांट टू मेक द चिल्ड्रेन, और कई बच्चों को बनाना चाहते हैं एज एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग एज द सन, इतना ऊर्जावान और मजबूत जितना कि सूरज, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान। तो बच्चों ये था क्वेश्चन आंसर। तो हम समझते हैं कि आप लोग ये सब लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब हम लोग अगला कविता में जाएंगे, जिस कविता का नाम है कीपिंग क्वाइट। अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे।